देवास शहर में यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में पहली बार पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देवास सहित आसपास से आए कई युवा पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। श्याम गार्डन इटावा में आयोजित पत्रकार महासम्मेलन की अध्यक्षता के लिए भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, अर्जुन अवार्डी कृपा शंकर विश्नोई, श्री माखन मंडल सहित कई अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युवा पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर रेड टीवी के डायरेक्टर संजय महोरे और रेड टीवी न्यूज संपादक प्रियंका पांडे को भी प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बहुत सारे राजनेता या फिर कई बार तो उनके दिवंगत होने की खबरें भी क्षमा करना, परंतु वो दिवंगत नहीं होते उसके पहले ही खबर इस प्रकार की चल जाती तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होती है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, और कथ्य क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, और उनके बीच वैसे सत्य निकालना ही पत्रकारिता की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। कई बार मैं अक्सर ये भी सुनता हूं कि पत्रकार बंधुओं के साथ में अपनी समस्याएं साझा करने के लिए एकत्र जरूर हुए हैं, परंतु अभी थोड़ी देर पहले मेरे को समझ में आया कि अलग अलग क्षेत्रों से समाज के आए हुए लोगों को के दृष्टिकोण पत्रकारों के संबंध में अलग अलग होते हैं। राजनीति के क्षेत्र से आए लोग समझते हैं कि पत्रकारिता में जो अभी सच्ची झूठी खबरें और नई नई चीज़ें आ रही हैं, आने वाले समय में जो पत्रकारिता का जवाबदारी है, पत्रकारों की जो आने वाले जो कंधों के एक भविष्य है देश का, वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो झूठी सच्ची खबरें और हर तरह से, अब जैसे मॉब लिंचिंग की घटनाएं थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आपत्ति उठाई थी, जैसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो एक मध्य प्रदेश में कानून प्रस्तावित भी है और पत्रकारों के हितों के लिए उनके सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनका एक भाई, अच्छा ये जो है पहल है, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ तो माना जाता है इस हमारे संविधान का, लेकिन आम जनता जो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो जाती है, कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप में, मैंने ये बात अभी मन से भी कही कि अगर भगवान के बाद दूसरा व्यक्ति अगर कोई उनको दिखता है, इस नज़र आता है कि हमारे दुख तकलीफ में वो हमें सहयोग करेगा, तो पत्रकार बंधु होते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, हम हमेशा इनके साथ में हैं। आज क्या है कि पत्रकार सम्मेलन जब हुआ है तो पत्रकारों की भी कहीं दुख होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी निजी समस्याएं होती है, तो हमने आम जनता से भी ये आह्वान किया है कि वो जब पत्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे दुख तकलीफ में शामिल होते हैं, तो उनके अधिकारों की जब बात आए तो हम भी उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं साथ जाएंगे। देखिए, ये तो एक तरह से पत्रकारिता के माध्यम से जो ये एक प्रयास किया है, ये बहुत ईमानदार प्रयास है, और छोटे अंचलों से आए हुए पत्रकार, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, और एक भले ही वो अच्छा पत्रकार, साबित पत्रकार हो या नवोदित पत्रकार हो, सभी के लिए जो संस्था ने ये प्रयास किया है बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय है। इन्होंने आज जो मिलकर जो एक ये अलख जगाई है, ये पत्रकारिता समाज के लिए, पत्रकारिता संगठन के लिए बहुत अनुकरणीय पहल है, और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने उद्देश्य में सफल हों, और जो भी इन्होंने प्रयास किया है ईश्वर पूरा अपना आशीर्वाद दे इस प्रयास के साथ में, और ये सफल हों।